सियावर रामचंद्र की जय। सारी दुनिया देख रही हम कैसा वचन निभाते हैं। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। जब सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाते हैं। राम भक्तों के कई दशकों का इंतजार उस वक्त खत्म हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष अनुष्ठान किया था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, और उन्होंने सौगंध खाई थी कि अगर वो रामलला की पूजा करेंगे तो उसी राम मंदिर में जहाँ पर राम जी का अपना असली जन्म स्थान है। अब रामलला अपने महल में विराजित हो चुके हैं और लोगों को दर्शन दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जब प्राण प्रतिष्ठा किया तो उसके बाद उन्होंने देश को संबोधित किया था, और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातों का जिक्र किया और भावुक तक हो गए। इसके बाद तो तमाम बीजेपी नेताओं का बयान लगातार सामने आ रहा है। अब इसी कड़ी में एक बयान सामने आया है जो उन लोगों को बुरी लग सकती है जो भगवान राम और सनातन विरोधी है। बीजेपी के पास ऐसे हिंद शेरों की कोई कमी नहीं है जो भारत माँ के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। अब ओवैसी के गढ़ में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे सुनकर ओवैसी खुद कांप जाएंगे। जी हाँ हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टाइगर राजा सिंह ने जो कुछ भी कहा है वो उन्होंने डंके की चोट पर कहा है, और साथ ही तमाम ऐसे ट्वीट किए हैं जो उनकी राम भक्ति के प्रति आस्था को दर्शाती है। टी राजा ने अपने विधानसभा क्षेत्र गोसा महल में प्राण प्रतिष्ठा के दिन कई आयोजन भी किए, और साथ ही उन्होंने इस दौरान ट्वीट्स किया जिसमें उन्होंने लिखा, सारी दुनिया देख रही है हम कैसा वचन निभाते हैं, जब सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाते हैं। आपको बता दें कि टी राजा सिंह अक्सर विवादों में रहते हैं और अपने बयानों की वजह से वो सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई तो टी राजा सिंह ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई तमाम ट्वीट्स किए जो अब सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे हैं, और एक तरफ वो ओवैसी के गढ़ में ऐसे ट्वीट करते हैं तो हिंदूवादी संगठनों का उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि कितना बड़ा संघर्ष रहा और कितना बड़ा सपना पूरा हुआ है। इस ट्वीट में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, राम भगवान की तस्वीर और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ ट्वीट करते हैं और उनके कैप्शन में लिखते हैं, 500 वर्षों से 100 करोड़ हिंदुओं की तपस्या, लाखों हिंदुओं का बलिदान, जिसके बाद आज हो गया भव्य मंदिर का निर्माण, अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, जय श्री राम। इसके अलावा उन्होंने जो तस्वीर शेयर की उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के ठीक ऊपर लिखा है, जन जन में जिनकी निष्ठा है अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के ऊपर में जो कुछ लिखा हुआ है उसमें लिखा है, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवादारी। तो कुछ इस तरीके से टी राजा सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद ओवैसी के गढ़ में दहार लगाई, और ओवैसी के गढ़ में उन्होंने भगवा लहरा दिया और डंके की चोट पे कहा कि जब सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाते हैं। अब इस चीज को दूसरे रूप से देखा जाए तो ये उन चीजों को इशारा करता है कि एक काशी और दूसरा मथुरा। हालांकि राजनीति में वार पलटवार और ऐसी सियासी खेल चलते रहते हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।